Then what should I do? See, you are talking of attitude. What's your name? Satish. Say Satish. That I want to change my attitude, is this not my attitude? मैं कहता हूँ मैं अपना एटीट्यूड बदलना चाहता हूँ. कौन अपना एटीट्यूड बदलना चाहता है? जो एटीट्यूड है वही एटीट्यूड को बदलना चाहता है ना. कैन यू नॉट से सतीश, और विल आई बी रॉन्ग इफ आई से कि माय एटीट्यूड इज टू चेंज माय एटीट्यूड. क्या कोई चीज अपने आप को बदल सकती है? कैन द एटीट्यूड चेंज इटसेल्फ? ये पंखा खराब हो गया, क्या ये ऑटोमेटिकली रिपेयर हो सकता है? आपका एटीट्यूड ही यही है कि मैं जो कुछ हूं मुझे उसको बदलना है, और ये टाइम रहेगा. मैकेनिकल थिंग्स, डेड थिंग्स, दे डू नॉट चेंज ऑन देयर ओन. ऑल चेंज प्रोसीड्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग. चेंज डज नॉट कम फ्रॉम डिटर्मिनेशन. चेंज डज नॉट कम फ्रॉम रिजोल्यूशन. Change does not come from a sense of morality. Change comes from understanding. बात समझ रहे हैं आप? मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी भी चीज को बदलने के लिए उसको समझना जरूरी है. बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कोई भी मटीरियल चीज कभी अपने आप को खुद नहीं बदल सकती. इसीलिए हम पाते हैं कि हम जब भी अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं हम हार जाते हैं. इसीलिए हम पाते हैं कि स्मोकर्स बड़ी कोशिश करते हैं कि सिगरेट छोड़ दें, पर कोई ही होता है जो छोड़ पाता है. इसीलिए हम पाते हैं कितनी आदतें हैं जिनको हम धोते रहते हैं पर उनसे मुक्ति संभव नहीं हो पाती है. बिकॉज एवरीथिंग दैट इज मटीरियल फॉलोज न्यूटन्स लॉज. एंड व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? इफ इट इज इन मोशन इट विल कीप मूविंग, नथिंग कैन चेंज इट. And if it is stationary, it will remain stationary. Nothing can change it. To change it, something other than the material will be required. अगर एक चलती हुई चीज को बदलना है, उसका मोशन बदलना है, तो वो चीज स्वयं नहीं बदल सकती. कुछ और होगा जो उसके ऊपर एक्ट करेगा तब बदलेगा उसको, right? Now what is it that is beyond attitude? Because attitude cannot change itself. मेरा एटीट्यूड ही यही बन गया है कि मैं कोशिश करूंगा बदलूंगा नहीं. हम में से कईयों ने ये एटीट्यूड ही बना लिया है कि हम कोशिश करेंगे और बदलेंगे नहीं. अब आप बदल सकते हैं क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है. मैं कह रहा हूं अगर मैंने एटीट्यूड ही यही बना लिया है कि बेटा कोशिश तो खूब करो पर बदलो नहीं, तो क्या मैं बदल सकता हूं? बट समथिंग आउटसाइड एटीट्यूड कैन नाउ हेल्प ब्रिंग अबाउट द चेंज. वॉट इज आउटसाइड एटीट्यूड? Not will, not अभी मैंने बोला ना, not determination, not resolution. Only your intelligence, only your understanding, समझ, knowing what is happening. Knowing what is happening. Do I really know what is attitude? Do I really know why I am concerned to change my attitude? When I speak often, somebody in the audience would get up and say, I am very hesitant. What do I do? Somebody would get up and say, मैं बिल्कुल मेरे से बोला नहीं जाता है, और audience के सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोला था, मैं क्या करूं? और मैं पूछता हूं कि यहां पे 200, 400 लोग बैठे हैं, वो भी audience में इतने लोग. इन 400 लोगों में तुम अकेले हो जो खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि I am very hesitant. तुम बोलते हो मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे तो कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है तुमसे नहीं बोला जाता. जब तक तुम उस एटीट्यूड को रखे हुए हो, उसके बारे में सोच रहे हो, कायम रहेगा. लेकिन जब तुम मूवमेंट में प्रेजेंट हो और इंटेलिजेंटली जान रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, वो एटीट्यूड गायब हो जाता है. उस स्टूडेंट से क्लासरूम के बाहर अगर तुम पूछोगे तुम कैसे हो, तो बोलेगा मैं बड़ा हेजिटेंट हूं, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है. और उसको उसकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, देख अभी तूने यही सवाल पूछा और 400 लोगों के सामने पूछा, इतने लोगों में कोई नहीं पूछ रहा था, तूने पूछा. कहां है हेजिटेंट, कहां है हेजिटेशन, कहां है तेरा वो पुअर एटीट्यूड?
वो एटीट्यूड तभी तक है जब तक तुम वो एटीट्यूड बने बैठे हो, लेकिन जब तुम इंटेलिजेंटली समझते हो कि मुझे क्या करना है तो एटीट्यूड उस वक्त एकदम ही गायब है, वो वापस आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा अटेंशन गायब होगा एटीट्यूड वापस आ जाएगा। एटीट्यूड अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन अटेंशन के आते ही एटीट्यूड गायब हो जाता है। बात समझ रहे हो? एटीट्यूड इज अ फ्रोजन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एटीट्यूड इज ईगो, एटीट्यूड इज डेड, एटीट्यूड इज मटीरियल। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड। जो कोई आपको ये सिखा रहा हो कि हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बी पॉजिटिव एंड ऑल दैट इज रविश। एनी एटीट्यूड इज अ डेड थिंग। ऑल एटीट्यूड्स आर डेड बिकॉज एन एटीट्यूड मीन्स टू हैव एन हैबिट। एन एटीट्यूड इज अ हैबिट, जस्ट लाइक दैट, वो जो आपके पीछे हो रहा है देयर। व्हाट यू आर डूइंग, यू डू नॉट रियली नो व्हाट यू आर डूइंग, इट्स अ हैबिट, ये पाली हुई चीज है। यू आर एज गुड एज डेड और अस्लीप, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। दिस इज एटीट्यूड, बट कम्स अटेंशन एंड एटीट्यूड इज गॉन। नाउ यू आर नो मोर अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, यू आर सडनली अटेंटिव बिकॉज आई एम लुकिंग एट यू। द प्रॉब्लम इज आई वोंट ऑलवेज बी लुकिंग एट यू, आई विल गो अवे, एंड व्हेन आई विल गो अवे दिस अटेंशन विल गो अवे। माय ऑल effort is just that you don't remain dependent on anybody for your attention, for your understanding. My effort is that irrespective of whether there is anybody else present to tell you something, to say something to you or not, you remain a light unto yourself, just as the Buddha had said, that be a light unto yourself. That's why I'm repeatedly saying to you that you are intelligent, that you must know yourself.